हाँ भागलपुर के, मेरे जिले की हैं, आदर्श आनंद भाई। आदर्श आनंद देखो, ये है मजार शरीफ का मेन गेट, यहाँ से आप अंदर कर एंट्री कर सकते हो। चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वालेकुम सलाम, ठीक है बेटा? वालेकुम सलाम। तो दोस्तों हम यहाँ पर उर्स में आए थे, ये दादा मियाँ की मजार शरीफ थी, और यहाँ पर भीड़ देखो आप कितनी ज़्यादा। आओ आगे चल रहे हैं, बहुत ही भीड़ है, उधर साइड में कब्बाली भी हो रही है। कसम अल्लाह की निस्बत, कसम अल्लाह की निस्बत, कहिए दोस्तों हम मजार शरीफ पे आए थे, ये थे जो मैंने आपको दिखाया, इनकी आवाज़ इतनी मस्त लग रही थी, कब्बाली गा रहे थे। शुक्रिया। और क्या नाम है, बहुत अच्छी आवाज़ है, और ये आपको अपने बारे में बताएंगे। इनका नाम फिरोज वासी है, तो ये बरेली से है, मैं ही बरेली से हूँ। मैंने बताइए आप अपने बारे में कुछ भी। जी मैं बरेली से फिरोज वासी कब्बाल, और मैं करीब जब 6 साल का था जब से कब्बाली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और आपकी दुआओं से, पूरी बरेली शहर की दुआओं से, और आप भाइयों की दुआओं से, काफ़ी मेहनत करी है मैंने गाने बजाने पे, अपने गाने बजाने को कम से कम मैंने 25-26 साल दिए हैं, और शायद इसीलिए इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर तक सुनता रहा। जी शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और अपने बारे में बता दो, आपका नंबर उम्बर। जी मेरा यूट्यूब पर मेरा चैनल है फिरोज वारसी के नाम से, फिरोज वारसी ऑफिशियल के नाम से है, उसको आप ज़रूर सुने, निकाल के सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट एक ज़रूर दें। आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं उसको सुधारूंगा इंशाल्लाह। और तमाम लोग मेरे हक में दुआ करें, भाई के हक में दुआ करें, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। हम जैसे लोग और ये भाई साहब जिंदा हैं, आपकी दुआ के सहारे ही मतलब हम चलते हैं, हमें हिम्मत मिलती है। ये भी इनकी आवाज़ तो मुझे काफ़ी पसंद आई, आपको मैंने वीडियो जोड़ दूंगा इसी में पीछे, आप भी बताएं सुन के कैसे आवाज़ लगी। और चैनल तो इन्होंने अपना बताया सर की दुनिया नाम से जो चैनल है मेरे भाई का, इन्होंने अभी अभी मेरा प्रोग्राम शूट किया है, तो आप इस चैनल को ज़रूर निकालें अफसर की दुनिया, और चैनल को सब्सक्राइब करें इनके भाई को, और बहुत ज़्यादा ही शेयर करें वीडियो। आप भी अगर कहीं बुलाना चाहते हैं तो नंबर बताया दिया है तो आप। जी मेरा यूट्यूब पे भी नंबर है, और मैं वैसे भी नंबर अपना बता देता हूँ, मेरा नंबर है 9319092559, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो 9837425162, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ज़्यादातर लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, यहाँ से लेके बाहर तक, विदेशों तक में मेरा गाना होता है, बेंगलोर तक मैं जा चुका हूँ गाने के लिए, बड़ी बड़ी दूर जाता हूँ, बम्बई गोवा सब जगह जाता हूँ आपकी दुआ से, और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, वलियों का करम है, मेरी बारिश की बहुत खास आता है मुझ पर, बस यही कहना चाहूँगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। लुधियाना से यहाँ पर आए, देखिए कितनी दूर से आए, उर्स था यहाँ पर। क्या करते हैं आप? हम वहाँ कढ़ाई का काम करते हैं। अच्छा, कढ़ाई का काम करते हैं। कब्बाल साहब, कब्बाली तो आपने भी सुनी होगी अभी। बहुत अच्छा गया, बहुत सुंदर गया, बहुत सुंदर, अच्छा गया, हाँ इससे अच्छा, बहुत अच्छा कव्वाली है भाई साहब, ऐसा गया है। दादा मियाँ साहब, आने वाले जायरीन से शुभकामना करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और हमारे नसीम भाई जो लुधियाना की सरजमीन से चलकर आए हुए हैं, कुछ आप कहिए सर।
हमको भी बहुत अच्छा लगा कव्वाली वाली सुन के, जितना यहाँ का अमाम है सभी को। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। पहली बार आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। यहाँ पर ये अमन भाई रसूल्ला के जो बिहार भागलपुर जिला के रहने वाले हैं, ये हमारे अमन चाहते हैं। हम क्या कहेंगे भाई, अल्लाह का शुक्र है पहली बार आए मजार शरीफ पे। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा भाई। आगे भी आएंगे? आगे भी आएंगे, अगले साल भी आएंगे सोचे हैं। मजार के बारे में हमको तो बताए थे ऐसे, मतलब हमको पता चले उर्स है तो फिर हम आ गए यहाँ पर। हाँ, गांव के लोग आते होते थे बगल के। हाँ, पहले से बहुत लोग आते हैं भागलपुर जिले से, बिहार भागलपुर। भाई लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, भाई भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है। यूट्यूबर है आदर्श आनंद, जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। कॉमेडी नाश्ता? हाँ हाँ, भागलपुर के मेरे जिले की हैं आदर्श आनंद भाई। आदर्श आनंद देखो ना, बिल्कुल भाई, क्योंकि हम तो भाई वीडियो बनाते रहे तो हमें पता है कौन कहाँ का। ये भागलपुर से देखिए कहाँ से आए, इतनी दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। तो फाइनली दोस्त, अब हम जा रहे हैं घर पर, और आपने ब्लॉग देख भी लिया होगा। और वो अभी एक आंटी रही थी, पता नहीं कैसे देख रही थी यार मुझे। और इधर देखो ये कार और काफ़ी खड़ी, भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत बहुत दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। आगे भीड़ ज़्यादा और ये साइड चला रहा है गाड़ी। तो आप बताएं आपको कमेंट में कि ये ब्लॉग कैसा लगा। अभी गाड़ी निकल रही जाम में से। चलो आज फिर मिलेंगे दोस्तों किसी दिन अगले ब्लॉग में।